प्यारे हो गए इसी कोरोना काल में, लेकिन जो कोरोना काल में अव्यवस्था हम लोगों ने देखी, जो कोरोना काल में भ्रष्टाचार देखा, जो कोरोना काल में हमने लोगों को मरते हुए देखा, लोगों को ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते रोते हुए देखा, आज तमाम आज अभी मैं निकल रहा था तो आरोग्य वो लगे हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे वो कटआउट बनते हैं आजकल, वो जो वहाँ बीजेपी सेल बनाती है, उस वक्त पता नहीं कहाँ से वो चली गई थी। और जहाँ तक हम लोगों का सवाल, अब ये जब आप लोग खुश हो जाते हैं तो आप लोग छाप देते हैं, नहीं खुश होते नहीं छापते हैं। अब हम लोग बता रहे हैं, ये हमारे राकेश सोनकर जी हैं, ये गैस सिलेंडर ले ले घर घर घुमा करते थे, हमारा गोविंद का मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, एक दर्जन तो मैं यही खड़ा कर सकता हूँ जिनको रात रात में गैस सिलेंडर दे के हम लोग जान बचाए। ये है कि हम लोग भैया देखिए, हमारे पर सबसे बड़ा अपराध क्या होता है कि हम लोग आपसे दोस्ती नहीं रख पाते। हम चाहते हैं हमारी आपकी दोस्ती हो, हम चाहते हैं कि दोस्ती हमारे आपकी इतनी प्रगाढ़ हो कि हम अगर एक काम करें तो दस। अब क्या हो रहा है भाई साहब, अगर सच्ची बात हिंदू इस वक्त होता तो अमरनाथ में जूता पहन करके जो परिक्रमा हुई है इस प्रदेश और देश में हाहाकार मच जाना चाहिए, लेकिन नहीं मच रहा है। आप काशी विश्वनाथ जी के मंदिर चले जाइए और वहां जाइए आप लोग, हम तो मीडिया बंधुओं से अनुरोध करेंगे सबसे कि आप लोग जाइए काशी विश्वनाथ जी का जो जहां पर मुख्य स्थान है, जहां पर शंकर जी विद्यमान है, वहां के बगल की अन्नपूर्णा जी की मूर्ति क्या हो गई, वहां की पार्वती जी की, ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, पार्वती जी की मूर्ति क्या हो गई, गणेश जी की मूर्ति क्या हो गई, हनुमान जी की मूर्ति क्या हो गई, बगल में जो शंकर जी शिव जी की जो कचहरी बनी हुई थी वो कचहरी क्या हो गई, जो 10,000 साल पुराना बरगद का पेड़ था जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास बांधते थे, वो बरगद का पेड़ कहाँ चला गया। आप सनातन धर्म को कैसे समाप्त कर सकते हो भाई, आपने क्या किया, आप एक तरफ आप मंदिर मंदिर कर रहे हैं, स्वयं आप निराकार ब्रह्म वाले हो ना संप्रदाय के, टीका सिखा जनेऊ कैसे जाए, तो आपने पहला काम किया कि संस्कृत विद्यालयों के अनुदान को रोक दिया जाए। आज आप पता लगा लीजिए कि कितने संस्कृत विद्यालय बचे हैं, जब संस्कृत विद्यालय नहीं रहेंगे, टीचर्स नहीं रहेंगे, स्टूडेंट्स पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, तो वेद पुराण का पठन पाठन कौन करेगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब वो समाप्त हो जाएगा तो सनातन धर्म वाले धीरे 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 करके समाप्त कर रही है, समाप्त हो रही है, बचाइए इसको आप लोग, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों की है। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी भी जितने भी मूर्ति पूजक लोग हैं उनकी संख्या 70-80% करीब होगी मेरे अनुमान से। और आज क्या किया जा रहा है कि हर जगह हर मंदिर में एक व्यक्ति विशेष के स्थान से लोगों को भेज भेज के वहां मंदिरों में कब्जा करा, यहाँ पर काली जी का मंदिर पता लगा लीजिए, वहां पर आप गोंडा के मंदिर का पता लगा लीजिए, बहराइच के मंदिर का पता लगा लीजिए। हम तो कहते हैं आप लोग जो है अगर आप लोग धरातल पर आएंगे तो आप लोगों को सारी सच्चाई आपके सामने हो जाएंगी। सनातन धर्म के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा भाई, आपने कहा कि हम लोग जो है वो राम मंदिर भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, एक तरफ आप भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, दूसरे तरफ आप कहते हैं साहब हम लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ है। आप कहो आकर के क्या, नहीं नहीं हम लोग मूर्ति पूजक हैं, हम लोग मूर्तियों में पूजा में आस्था रखते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 जब शिला पूजन चल रहा था, शिला पूजन के समय में हेलीपैड में जहां पर प्रधानमंत्री जी को उतरना था वहां पर हेलीपैड पर कुर्सी डाल करके अंजना ओम कश्यप जी हैं उनके साथ। मैं कहता हूं कि आप 2014 के बाद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप 2017 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, 2014 के पहले इस देश में क्या था, कम से कम हर चीज बिक तो नहीं रही थी, आज तो हर चीज बेच दो। एयरपोर्ट में अभी 2-3 दिन पहले जाने का मौका मिला, एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर गाड़ी खड़ी कर दी स्टैंड में और 25 मिनट बाद निकले तो कह रहे भैया 150 रुपए दो, हमने किस बात के, उन्होंने कहा साहब देखिए ये मशीन लगाया और आपका ये हो गया। तो इस तरह से लोगों की आमदनी कराई जा रही है और हमारी आपकी गरीबी को बढ़ाया जा रहा है, इस पर भी विराम लगना चाहिए। सर आपकी जो पार्टी, क्योंकि आपने प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया जी, प्रबुद्ध वर्ग का, और आपने संदेश दिया कि पुराना जमाना 2007 वाला कि ब्राह्मण आपके साथ आए, तो बड़ा आप लोगों ने तगड़ा मैसेज दिया, तो क्या आने वाले वक्त में 2022 में 27 में 32 में कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टी की ओर से ब्राह्मण सीएम बन जाए। देखिए जो जिस सवाल के जवाब लायक हम हैं वो उतने सवाल बहुत बढ़िया है। अब आप अभी कभी सीएम की बात कहोगे पीएम, हम तो 24 घंटा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बहन जी 2022 में सीएम बने और 2024 में पीएम बने, और उसके बाद देखिए अमृत घरिया ना तो आप पी के आए ना हम पी करके आए हैं, 55 के करीब हम भी हो गए, अभी ठीक ठाक एज हो गई, आगे भी 40 तो भाई करेगी,
अरे अब जब तक पूछे हम तो मुछवाला ही जानते हैं ना, हम तो सवाल है।